हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वेटो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिले हैं एक नए लेक्चर के साथ। चैप्टर का नाम है हमारा कंटिन्यूटी। इससे पहले कैलकुलस के अंडर में हम लोग दो चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक का नाम था हमारा फंक्शन और दूसरा था हमारा लिमिट्स। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो दोनों से दो या तीन सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में भी कहीं ना कहीं ये तुम्हारा लिंक करेगा जरूर। ठीक है, तो जल्दी से हम इस बात पर आते हैं कि किसी चीज़ को हम कब बताएंगे कि कोई चीज़ हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इससे पहले ये मान करके चल रहा हूँ मैं, तुमने पीछे वाले लेक्चर जो कि लिमिट्स वगैरह थी, कि एल एच एल आर एच एल, ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा। ठीक है ना, अब इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी चीज़ को हम लोग कब बता सकते हैं कि वो चीज़ हमारा कंटिन्यूअस हो चुका होगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे सामने में एक कर्व ड्रॉ किया बच्चों। इस कर्व का नाम है वाई इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, ये कर्व रहा हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस कर्व पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट का नाम अगर हम फिलहाल के लिए अभी रख लें तो इस पॉइंट का नाम बच्चों क्या हो गया हमारा, ए हो चुका। ठीक है ना, ए मान लेंगे और इसके सामने में जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी हमको वाई की, वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी बच्चों एफ ए। हमने एक्स की जगह पर ए इंसर्ट करा तो वो हमको मिल जाएगा कितना, देखो एफ ए। ठीक है ना, अब इधर ध्यान देना। देखो इसको ना दो बातों से आपको समझना होगा कि हम कर्व को जो देख रहे हैं ना, उस कर्व की दो परिभाषाएं हैं इस जगह पर। जो पहली डेफिनेशन है बच्चों, उसको हम देखते हैं सबसे पहले कैसे, देखो ग्राफिकली। अगर आप ग्राफिकली किसी चीज को देखोगे तो कैसे बता सकते हो कि कोई चीज आपका कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या काम करना है, देखो ग्राफिकली देखने में सिंपल सा लॉजिक ये लगाया जाता है बच्चों कि अगर किसी कर्व को, इफ अ कर्व इज ड्रॉन, मैं लिख देता हूं देखो इस चीज को, इफ अ कर्व इज ड्रॉन विदाउट रेजिंग द टिप ऑफ द पेन, इज ड्रॉन विदाउट रेजिंग द टिप ऑफ पेन। अब देखो, अब आपको ये बात समझनी होगी कि इस चीज को जो हमने लिखा है इसका मतलब होता क्या है। देखो अगर आप किसी कर्व को बना रहे हो बच्चों, और किसी कर्व को बनाने में आपको बिना पेन उठाए अगर आपने किसी कर्व को बना दिया, तो वो कर्व आपका हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, मान लो कि मैंने एक कर्व ये बनाया इस तरीके का, मैंने बिना पेन उठाए इस कर्व को बना लिया। एक दूसरा कर्व मैंने इसी तरीके का बनाया, पर मैंने ये बनाया और उसके बाद मैंने बीच में पेन उठा लिया था। जिस पॉइंट पर आपने पेन को उठा लिया, पॉइंट बोला जाता है मेरा हमेशा वैल्यू ऑफ एक्स को, जिस पॉइंट पर आपने पेन को उठा लिया वो पॉइंट आपका कौन था, ए। अगर आपने ए पर अपना पेन उठाया तो उस पॉइंट पर वो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। अभी ग्राफिकल अप्रोच भी इस बातों का हम देखा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान देना, देखो ग्राफिकली तो हमने ये चीज अपना समझ लिया है। दूसरी बात है, अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो मैथमेटिकल डेफिनेशन आप क्या होगी कि कैसे बता सकते हो किसी चीज को कि ये हमारा कंटिन्यूअस हो चुका है। तो देखो सबसे पहली बात क्या आती है, आपको इस जगह पर दो वैल्यू को वापस से एज्यूम करना पड़ेगा। वो दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, देखो सबसे पहले आप हल्का सा इससे पीछे चलोगे जो कि आप कहते हो ए माइनस एच, इससे हल्का सा आप यहां पर अगर आगे चलोगे जिसको आप कितना कहते थे ए प्लस एच। तो मैंने यहां पर दो वैल्यूज को एज्यूम किया बच्चों, इस वाली वैल्यू को मैंने कितना माना है, इसको मैंने माना है ए माइनस एच, इस बगल वाली वैल्यू को कितना माना है मैंने, इसको मैंने माना है ए प्लस एच। दो बातें आपके सामने में सिंपल सिंपल नजर आ रही थी। तो हमको क्या करना होगा, देखो इस जगह पर अगर आप किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, ये चीज हम पहले से जान चुके हैं, लिमिट ए माइनस और आपका किस पर, देखो फंक्शन एफ एक्स पर। इसी प्रकार से आपका ये वाली चीज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस और ये वाली चीज आपका कौन आ जाएगा इधर पर, यह आ जाएगा आपका एफ एक्स। ठीक है ना, अगर आपके पास ये दोनों की दोनों बातें क्या हो जाएं, आपकी बराबर हो जाएं, इसको हम पहले से भी जाना करते थे। इन दोनों का अपना एक नाम भी है बच्चों, इन दोनों को पकड़ करके हम लोग क्या नाम दिया करते थे, इसका नाम होता है बच्चों तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू को कहा जाता है आपका किस किस को, एल एच एस, एल एच एल और आर एच एल के निकालने को बोला जाता है। अगर कभी आपका एल एच एल और आर एच एल आपका बराबर पड़ जाए तो उसको हम क्या बोला करते हैं बच्चों, आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। खास बात यह है कि इस जगह पर आपको ये बात समझ आएगी कि इतने को देखने से हमें पता चला कि आपका ये चीज लिमिट एग्जिस्ट करा। तो सबसे एसेंशियल कंडीशन तो यही बनती है कि किसी पॉइंट पर अगर किसी चीज को कंटिन्यूअस बनाना है तो उसको सबसे पहले लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या खास बात है इसमें, एक और इसमें एक और बात यह है कि बच्चों ये दोनों बातें किसके बराबर होनी चाहिए, आपका एफ ए के बराबर। और आपको मालूम होगा कि ये एफ ए हमारा क्या हुआ करता था, इसको बोला जाता था आपका फंक्शनल वैल्यू। तो हमको क्या बात समझ
समझ आती हैं यहां से, हमको ये पता चला बच्चों अगर किसी फंक्शन में लिमिट भी एग्जिस्ट करे, दैट इज LHL RHL भी बराबर हो और साथ ही साथ आपका वो FA के बराबर आ जाए, तो वो चीज हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। और बहुत सारी जगहों पर हम देखेंगे कि चीजों को हम ग्राफिकल अप्रोच से पकड़ा करेंगे, ग्राफ के थ्रू हम देखा करेंगे कौन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कौन नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे में। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, देखो कुछ चीजों का ध्यान देना है, डिफरेंट सिचुएशंस है हमारा डिसकंटिन्यूटी की। आपका कंटिन्यूटी की सिचुएशन तो यही है, फॉर कंटिन्यूटी के लिए आपका LHL RHL FA तीनों बराबर होना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मिलेंगी तुमको जिस केस में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आपकी कंटिन्यूटी की तो एक ही डेफिनेशन हो गई कि LHL RHL FA आपका बराबर होना चाहिए। इसके अलावा हम बस देखना चाह रहे हैं कि अब कब कब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैंने इस जगह पर ड्रॉ की बच्चों, मान लो कि हमारे पास में कोई फंक्शन ये रहा, सबसे पहले ये यहां पर कुछ भी आंसर दे रहा है हमको, ये पॉइंट मार्क कर लिया जाएगा इधर पर ए। अगला पॉइंट आपका यहां से चला है और ये चीज बन गया आपका कुछ ऐसा कर्व, ठीक है। दूसरा कर्व जब मैंने ड्रॉ किया तो ये वाला कर्व आपका कुछ ऐसे में और देन आपका ये ऐसे में। अगला कर्व जो हमने ड्रॉ किया फिर से वापस ये कर्व ऐसे और फिर ये ऐसे और यहां पर हमने एक डार्क डॉट बना लिया। अब इन कर्व को बनाने का मतलब क्या है, इससे क्या सिचुएशन राइज होती है वो पकड़ोगे। देखो आप मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है बच्चों हमारे पास में, ये पॉइंट आपका ए है इस सिचुएशन में भी, ये भी आपका ए रहा और ये वाला पॉइंट भी आपका ए रहा। इसके अलावा आपको एक और बात को ध्यान देना है, आप यहां से जब देखोगे, आप LHL की साइड से देखोगे ना बच्चों, LHL की साइड से, तो LHL की साइड से देखने पर मान लेते हैं कि ये बात आपका L1 आ रही है, और अगर आप राइट साइड से देखोगे, राइट हैंड लिमिट को देखोगे, तो ये वाली बात आप कितनी कह दोगे इधर पर, L2 कह दोगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं यही बात कि तुमको ये अप्रोचिंग लिमिट्स देखना आ रहा होगा, इस चीज को हमने सीखा था लिमिट के लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसके सामने में अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट आपका L नाम दे दिया जाएगा, इसके सामने जो ये होल है इसके सामने तो वैल्यू L है और ये वाला वैल्यू आपका कितना हो चुका बच्चों, देखो ये FA हो चुका। ठीक ठीक बात है यहां तक भी। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा कंटिन्यूटी वगैरह का। देखो सबसे पहले एक बात छोटी सी ये देख करके बताओ कि ये जो फंक्शन है आपका, अगर मैं तुमसे इसका LHL पूछूं और तुमसे इसका RHL पूछूं, क्या ये दोनों के दोनों बराबर हैं? आप कहोगे LHL RHL बराबर नहीं है। और खास बात यह है कि फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू भी ए पर आपका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। LHL का मतलब केवल इतना सा होता है बच्चों, ए पॉइंट पर आपको पहुंचना है पर लेफ्ट से, ए को ए पर पहुंचना नहीं है, ए पर खड़े नहीं होना है आपको, ए तक पहुंचोगे पर कहां से, लेफ्ट से। जैसे जैसे आपका कर्व ए पर पहुंचेगा आपका आंसर कितना कितना बताएगा वैल्यू L1। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, या ये भी कह सकते हो आपका इस जगह पर क्या हो गया बच्चों, देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जहां पर हमारा लिमिट क्या हो जाए बच्चों, एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। पहली बात ये एसेंशियल पॉइंट है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए पहले में। अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो में। आप यहां पर देख करके बताओ कि इस जगह पर आपका LHL और RHL का वैल्यू दोनों कितना आ रहा था। आप कहोगे इस जगह पे आपका LHL भी और RHL भी दोनों का दोनों बच्चों ये बराबर है, और दोनों का दोनों जो ये बराबर है ये किसके बराबर है, देखो L के बराबर। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा इस जगह पर जो है तुम्हारा वो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया। खास बात यह है कि बच्चों लिमिट तो हमारा एग्जिस्ट कर गया। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर जाने से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा? हमने कहा था कि लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए और वो दोनों की दोनों बराबर भी होनी चाहिए, पर खास बात ये है कि उसमें फंक्शन वैल्यू भी उसके बराबर रहे। अब तुम मुझे बताओ यहां पर एफ ए का वैल्यू क्या है? ए पर एग्जैक्ट खड़े हो जाओगे तो फंक्शन आंसर नहीं देगा। एफ ए को क्या कहोगे आप अपना? इज नॉट डिफाइंड। आपका एफ ए डिफाइंड होना चाहिए था पर वो इस केस में हमारा डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ग्राफिकल अप्रोच से देखा जाए तो ये कर्व बनाने पर आपको पेन ए पर उठाना पड़ा, फिर दोबारा रख के फिर चलाओगे, इसी जगह पर आप ऐसे उठाओगे, फिर उठा करके फिर चलाना शुरू करोगे। जिस जिस जगह पर आपको पेन को बार बार उठाना पड़ जा रहा है उस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आपका। अब इसी तरीके से इसको देख करके बताना है तुम लोगों को कि आपका फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यानी कि LHL RHL आपका दोनों केसेस में कितना आएगा। सबसे पहले इस बात का आपका जो LHL आएगा और जो इस बात का आपका RHL आएगा, दोनों का दोनों वो बराबर रहा, L के बराबर रहा। पर खास बात यह है कि बच्चों आपका ये दोनों के दोनों आपस में बराबर तो है पर यह बात आपका किसके बराबर नहीं है, देखो FA के बराबर नहीं है, क्योंकि जो फंक्शनल वैल्यू आपको मिल रही है A पॉइंट पर खड़े होकर के आपको यहां पर आंसर मिल रहा है देखो FA।
तो आप यहां से ये कहोगे पिछली बार तो एफ ए नॉट डिफाइंड था, इस बार एफ ए भी एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, पर एग्जिस्ट करना मेन मुद्दा नहीं है, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए थे, वो बराबर नहीं है, इस वजह से ये केस भी हमारा डिसकंटिन्यूटी को राइज करेगा। अब चलते हैं कुछ और फर्दर कर्व पर, ठीक है। ये जितने भी सिनेरियो हम देख रहे हैं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुमको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन के थ्रू, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि ये लिमिट आपका एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं, तो उसके थ्रू ध्यान रखोगे। देखो अब आती है बात आगे, हमारे पास अगला करवाया ये वाला बच्चों, कुछ इस शेप का, ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपका ए बनता है। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा सिनेरियो यहां पर कंसिडर किया है, ये वाला कुछ आपका, ये वाला कर्व कुछ ऐसे चला गया और ये वाला कर्व आपका ऐसे आ गया, बिल्कुल सेम ऐसा ही शेप का है ये वाला भी। पर इस बार हुआ क्या है बच्चों, आपका फंक्शन एक पॉइंट पर डिफाइन है आपका, पिछली बार तो दोनों जगह पर डिफाइन नहीं था, इस बार डिफाइन चल रहा है वो। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बच्चों ए, इस वाले पॉइंट का भी हमारा नाम कितना हो जाएगा ए, ठीक है। तो देखोगे इस जगह पर आप, ये वाला पॉइंट रहा बच्चों आपका ए, ये वाला पॉइंट भी आपका रहा बच्चों ए, इधर पर कौन हो जाएगा आपका, इधर पर कंसिडर कर लेता हूं मैं अभी एफ ए, इधर पर कंसिडर कर लेता हूं मैं एल। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपका ए आ जाएगा, इस पॉइंट पर मैंने कंसिडर कर लिया बच्चों एल, और ये वाला कौन आ जाएगा आपका एफ ए आ जाएगा। अब मैं तुमसे कहता हूं ए पर अगर एग्जैक्ट खड़े हो जाओगे तो ए पर खड़े होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, ए पर खड़े होने के बाद आपका आंसर एफ ए आएगा। यहां पर ए पर खड़े हो जाओगे तो आंसर ऊपर मिलेगा, देखो एफ ए ये वाला, लेकिन जब लिमिटिंग वैल्यूज को चेक करा जाएगा तो अब मैं यहां पर तुमको दिखाता हूं। सबसे पहले देखो इस जगह पर, पहले इस वाले को देखना यहां पर, ये वाला आप मुझे बताओ, जब आप LHL और RHL निकालोगे ये दोनों का दोनों की वैल्यू कितनी है आपका, आप कहोगे अपना LHL और RHL दोनों का दोनों बराबर दिखने में नजर आता है एक बार को कि इन्फिनिटी नजर आ रहा है, पर LHL RHL आपका कोई फिक्स्ड नंबर होना चाहिए था कांस्टेंट। इस जगह पर आप क्या आंसर दोगे अपना, हमारा जो लिमिट होगा बच्चों वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और जब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा आप कंटिन्यूटी के बारे में बिल्कुल भी बात करोगे ही नहीं उससे, सिंपल लॉजिक है ये वाला। अब आते हैं इस ग्राफ पर, आप यहां पर जब LHL को निकालोगे तो LHL निकाल लेने पर LHL का वैल्यू कितना आएगा आपका FA, और आपके पास में RHL का वैल्यू कितना आएगा L आएगा। अब यहां पर देख करके बताना क्या आपका LHL या RHL कोई भी पहले लिख लो, मैंने लिखा क्या LHL RHL आपस में बराबर है, आप कहोगे RHL LHL दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन बच्चों जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका FA को शो कर रही है अप्रोचिंग वैल्यू, और A पर खड़े होने के बाद भी आपका आंसर कितना आ रहा है FA। अगर LHL आपका किसके बराबर आ गया, वो आपका आ गया बच्चों एफ ए के बराबर, तो इसको कुछ नाम से जाना जाएगा, इसका नाम पड़ गया बच्चों इस चीज का, इसको बोला गया आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्या बोला गया इस बात को आपका, इसको बोला गया आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस, यानी कि अगर हमारा कोई फंक्शन अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर है तो उसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, लेफ्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर पे अगली चीज क्या है हमारे पास में, अगली बात आई ये वाली, अगर आप इधर पर अप्रोच करोगे बच्चों वापस से तो आपका LHL इस बार L आएगा, और अगर RHL से पूछोगे तो RHL का वैल्यू आपका FA आएगा। तो अब यहां पर देख करके बता सकते हो तुम क्या अब हमारा LHL RHL आपका दोनों का दोनों बराबर है, आप मना करोगे, लेकिन RHL किसके बराबर होगा आपका FA के बराबर, क्योंकि A पर एग्जैक्ट खड़े होने पर फंक्शन की वैल्यू यही डिफाइन है। आप ये ध्यान दो, देखो RHL को मैं FA क्यों कह दे रहा हूं बच्चों, RHL अप्रोच कर रहा है, वो देख किसकी तरफ को रहा है, वो पहुंचेगा कहां पर, वो FA पर पहुंचेगा। तो इस वाले एग्जांपल को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग राइट कंटीन्यूअस, ये बन चुका होगा हमारा राइट कंटीन्यूअस, ठीक है। दो तरीके की आपकी आपने चीजें यहां पर देखी, एक को बोला गया लेफ्ट कंटिन्यूअस और दूसरे को क्या बोला गया राइट कंटिन्यूअस। तो ये जो भी कुछ हमने दर्शाया है ये डिफरेंट सिनेरियो है, इन सभी जगहों पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, कई जगह पर पेन चला करके उठाना पड़ रहा है, तो ग्राफिकल नॉलेज के थ्रू भी आप देख सकते हो इस बात को। अब आते हैं आगे में, अब एक स्पेशल टाइप की हमारी डिसकंटिन्यूटी होती है बच्चों, जिसको बोला जाता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है क्या, मैं हल्का सा तुमको इसके बारे में बताता हूं। देखो मान लो कि कोई फंक्शन है हमारे पास में, मैंने लिमिट में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करा था तुम्हारे साथ में, अगर कोई फंक्शन आ जाए साइन वन बाय एक्स आ जाए, आपको ये बात बखूबी नजर आ रही है कि आप x की जगह पर जीरो प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x की जगह जीरो रख दिया तो वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, अभी इन्फिनिटी नहीं कहना जब तक लिमिट का कंसेप्ट नहीं आ जाता हमारे पास में, ठीक है। अब मैंने तुमसे ये कहा बच्चों इस जगह पर, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ तुमसे पूछूं, याद होगा तुमको हमने इसका ग्राफ लिमिट में भी बनाया था बच्चों, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर बहुत तेजी के साथ ऑसिलेट करता है, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन हमारा ऑसिलेट करना शुरू करेगा
तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे शेप, ऐसी शेप का हमारा हुआ करता था, कुछ कुछ ऐसा ये शेप का हमारा बनता रहेगा, और आप जब इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा इधर से चला जाएगा, और जब इधर पर देखा जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि ग्राफ याद होना चाहिए, ऐसी शेप दिखेगी तुमको तो अपने आप में इस चीज का पता चलेगा कि ग्राफ कुछ कुछ ऐसा हुआ करता था। आपके पास में ये एक्स इक्वल टू जीरो के बीच में बहुत तेजी के साथ ऑसिलेट करता है, ये जो इतनी बाउंड्री नजर आ रही है ना, ये जीरो अप्रोचिंग वैल्यूज हैं सबकी सब, जीरो से राइट में और जीरो से लेफ्ट में। अब तुमसे ये पूछा जाए कि अगर तुमसे किसी ने कहा कि आप इस फंक्शन पर लिमिट ले लो, आप इस फंक्शन पर लिमिट ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, आप इस बात को लिखोगे बच्चों साइन वन अपॉन एक्स लिखोगे, और जब साइन वन अपॉन एक्स रखा जाएगा तो ये बात आपकी बनेगी बच्चों साइन वन अपॉन में जीरो अप्रोचिंग, लिखा मैंने इस बार डायरेक्ट डायरेक्ट क्या लिखा देखो, जीरो अप्रोचिंग, और समथिंग अपॉन जीरो जो कि जीरो अप्रोचिंग हो, तो वो चीज आपका क्या बनेगा देखो साइन, ये चीज कितना बनेगा आपका, ये चीज आपका बनेगा इस जगह पर साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी का आंसर आप अपना कितना कहोगे, इसका आंसर बोलोगे माइनस वन से लेकर के कहां तक लाए करेगा, ये वन तक, ये आपका ऑसिलेट करता रहेगा, ये आपका कांस्टेंट तो एक तरीके से है पर ये फिक्स्ड नहीं है, इस वजह से इस फंक्शन का हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन का हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट ना करा तो वो फंक्शन आपका बिल्कुल भी कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी होगा बच्चों कल के दिन तुम्हारे सामने में कोई फंक्शन बदल करके ऐसा ला करके लिख दे वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये ऑसिलेटरी बनेगा वन पर, जीरो तो रखा जा सकता है इस जगह पर, तो ये ध्यान देना है बस ऑसिलेटरी टाइप जो होता है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर चला करता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे में, अब हमारे पास में अगला केस है जिसका नाम पड़ता है हमारा क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं हल्की सी बात इसके साथ लिंक करके चल रहा हूं देखो, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल बच्चों हम दोनों को एक साथ करेंगे डील यहां पे, तो मैं हल्का सा तुमको बताऊंगा इसके पीछे का कारण है क्या, किस तरीके से इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ हुआ करता है। देखो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास में ये कोई कर्व था इसका फंक्शन का वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा कोई कर्व आ गया ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। अब इस कर्व पे ना हमको पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं देखना है कि ये कर्व आपका किस तरीके से बना है और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे निकाला गया, बस तुम हल्का फुल्का इसका जो फॉर्मूला कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल होगा उसका आप ध्यान रखोगे। इसका नाम रख दिया बच्चों हम लोगों ने वाई बराबर में एफ एक्स, ठीक है ना। अब इधर ध्यान देना देखो, सबसे पहले मैं तुमको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कैसे, देखो ग्राफिकली कैसे देखना पड़ता है किसी चीज को कि ग्राफिकली वो चीज हमारे पास में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखो ग्राफिकली आप क्या कहोगे, देखो अगर कोई फंक्शन है तो देखोगे यहां पर इफ अ टेंजेंट, इफ आ मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूं इस बात को, इफ आ यूनिक, पहली बात तो यूनिक और साथ ही साथ क्या कह रहा हूं देखो, एंड नॉन वर्टिकल, इन सब शब्दों के तुमको अभी नाम जो लिख रहा हूं मैं ये समझ आएंगे। If a unique and non-vertical tangent is drawn at that point, tangent is drawn at that point. अगर हमने किसी point पर क्या किया बच्चों, drawn at that point, हमने किसी चीज को tangent को draw कर दिया किसी curve के किसी point पर, ठीक है ना, at that point. तो आप क्या कहोगे इस जगह पर, इस चीज को अब कहा जाता है आपका then, then function, जो भी आपका function है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या बोल दिया जाएगा, फंक्शन को बोल दिया जाएगा डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अभी मैं तुमको समझाता हूं कि इस चीज को हमने जो लिखा है इस चीज का दरअसल हमारा मतलब क्या बनता है, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को, बहुत ही छोटी सी एक बेसिक सी ये बात है इस जगह पर कि अगर आपके सामने में कोई भी कर्व आ रहा है, जैसे ये भी एक कर्व है, मैं तुम्हारे सामने में एक दूसरा कोई कर्व इधर पर ड्रॉ कर दूं, मान लो ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लिया, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये पॉइंट इसका पकड़ लिया, इस पॉइंट का नाम फिलहाल के लिए ए रख देते हैं। अगर मैंने इस पॉइंट को कर्व के ऊपर देखा तो कर्व के ऊपर क्या करना होता है, टेंजेंट, जब आप टेंजेंट खींचते हो ना बच्चों, कर्व का कोई पॉइंट पकड़ते हो और उस पॉइंट से लेफ्ट में भी और राइट में भी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हो, जब आप एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हो तो ये स्ट्रेट लाइन अगर खींची गई आपकी और ये खींच गई आपका, और खींचने के बाद अगर आपको ये पूरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन यूनिक नजर आए, बहुत सारी मल्टीपल लाइन नजर ना आए, और खास बात है ये टेंजेंट जो हो आपकी वर्टिकल ना हो, अभी इसका मतलब भी समझ आएगा वर्टिकल क्यों नहीं होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पर ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मान लो कल के दिन किसी ने इस पॉइंट को पकड़ा तो क्या इस पॉइंट पर भी ये डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल होगा, बस आपको टेंजेंट खींचनी आनी चाहिए, आप इस तरीके से टेंजेंट खींच लो। ऐसे ही आपने यहां वाला कोई पॉइंट पकड़ा तो ये इस पॉइंट पर भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
खास बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा कर्व आपको नजर आ रहा है, इस पूरे कर्व के किसी भी पॉइंट को पकड़ करके अगर आपने टेंजेंट को खींचना चाहा तो वो टेंजेंट आपकी खींची जा सकती है। ये मतलब होता है आपका ज्योमेट्रिकली चीजों को देखने का, ठीक है। अब मैं यहां पर सबसे पहले इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लूंगा। इस पॉइंट का नाम जो होगा बच्चों, इस पॉइंट का नाम हो चुका है हमारा ए, ये वाला पॉइंट रहा हमारा। इस पॉइंट का फिलहाल के लिए नाम हमने कितना रख लिया है, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया है बच्चों देखो ए। ओवरऑल ना इसके पीछे का जो पूरा पूरा थ्योरम है, पूरा पूरा इसको एक्सप्लेन करना कि आप ए माइनस एच ए प्लस एच दो पॉइंट लेते हो, उनको फिर करीब करते हो तो पूरा एक सिंपल टेंजेंट बन जाता है, उतना नहीं जा रहा मैं, क्योंकि उतने की कोई खास हमारे सिलेबस में जरूरत है भी नहीं। मैं केवल वो हिस्सा बता रहा हूँ जहां पर से तुमको चीजों को पकड़ना है। देखो मान लो कि एक ये पॉइंट हो गया जिसका नाम होगा हमारा ए माइनस एच, एक थोड़ा सा इसके आगे वाला पॉइंट हो गया जिसका नाम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एच। मैंने इसी कर्व के ऊपर दो पॉइंट को पकड़ा, ए से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे। अब जब मैं ए से थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट के लिए कर्व को ड्रॉ करूंगा तो आपका कर्व जो होगा बच्चों वो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये वाला, इस लाइन को जो बोला गया बच्चों, इस लाइन को बोला गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोला गया इस चीज को, इसको बोला गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस चीज को लिखा भी कैसे जाएगा वो भी देखेंगे अभी हम लोग। अभी इस चीज को ध्यान रखना है कि तुमको इन शॉर्ट बोला जाता है इस बात को एल एच डी, और इसको जो दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो दर्शाया जाता है ऐसे। देखो जैसे आप लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ए माइनस से दर्शाते हो, डैश लग जाने का मतलब है डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट, और ए माइनस वही बता रहे लेफ्ट से आपने उसको डेरिवेटिव करा। इसी तरीके से अगर आप इस चीज को राइट से देखोगे तो राइट से आपका टेंजेंट जो बनेगा बच्चों, राइट से आपका टेंजेंट बन जाएगा कुछ कुछ ये वाला, ये कुछ ऐसा। अब अगर आप इन दोनों कलर के रंगों में जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखो तो पूरी पूरी एक यूनिक टेंजेंट आपको उतरती हुई नजर आएगी। ये ग्रीन वाली शेप में जो आपका बना है, इसको बोला जाता है बच्चों आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारा रहा राइट हैंड डेरिवेटिव, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा उसको कैसा देखा जाएगा, आर एच डी इसको पढ़ा जाएगा, और इसको दिखाया जाएगा आपका कितना, देखो एफ डैश ए और ऊपर में कितना आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। इतनी इतनी बात बताओ समझ आई। ओवरऑल ना बच्चों ये पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं, ये पॉइंट हल्का सा ना मैं बता भी देता हूँ तुमको आइडिया, ये पॉइंट यहाँ कहीं लिया जाता है माइनस एच, थोड़ा सा दूर लिया जाता है। हमने तो पॉइंट ये कंसिडर किया है, कौन से वाला किया है देखो, हमने तो ये वाला किया है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया ए माइनस एच, और इसके जो बगल वाला पॉइंट था इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया बच्चों देखो ए प्लस एच। ओवरऑल जो पॉइंट्स होते हैं ना आपके, वो यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, इसको इससे जोड़ा जाता है, इसको इससे जोड़ा जाता है, फिर इन दोनों लाइन सेगमेंट के स्लोप निकाले जाते हैं, स्लोप को बराबर करते हैं, हम कहते हैं एच अप्रोचेस टू जीरो कर। जैसे जैसे ये पॉइंट जीरो होता रहेगा, ये पॉइंट जीरो होता रहेगा, ये पूरा ए माइनस एच ए की तरफ को भागता रहेगा, तो ये पॉइंट खिसक खिसक के इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है, और जब ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है तो दोनों बातों के स्लोप बराबर, तो वो केस है सारा का सारा। खैर वहां तक नहीं जाना है हमको, अब इधर देखना आप इस चीज को मैथमेटिकली कैसे बता सकते हो कि कोई चीज आपका डिफरेंशिएबल कहलाएगा, तो इस चीज को ध्यान से देखोगे आप। आपके पास में सबसे पहली बात आपकी कौन थी, एल एच डी। आपके पास में पहली बात यही आती है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बच्चों, जो आपका एल एच डी है वो किसके बराबर होना चाहिए आपका, वो आपका आर एच डी के बराबर होना चाहिए। आप एल एच डी आर एच डी निकालेंगे कैसे, देखो आप इस चीज को शुरुआत करोगे इस जगह से। देखो आप लिखोगे यहां पर सबसे पहले लिमिट, यह आ जाएगा आपका कितना, देखो लिमिट सबसे पहले इस जगह पर आपका एच अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद फंक्शन में ए माइनस एच, फिर माइनस का एफ ए, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा माइनस का एच। ये एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रख लो भी फिलहाल के लिए, ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करने से ही आपका ये फॉर्मेट बनता है। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव बताओगे तो कितना लिखोगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का कितना एफ ए, और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका ये कंप्लीट कितना एच, ये नीचे आ जाएगा आपका एच, और ये दोनों बातें आपकी क्या रहने वाली हैं देखो, बराबर। सिंपल लॉजिक है इतना इतना। और जब आपका एल एच डी आर एच डी दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे ना बच्चों, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ज्योमेट्रिकली देखना होगा अगर इस बात को, ग्राफिकली तो आप इस बात को ये कहोगे कि अगर वर्टिकल नॉन टेंजेंट आपने कोई भी ड्रॉ कर दी तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बच्चों हमने वहां पर कुछ सिचुएशंस देखी थी, यहां पर भी हम सिचुएशन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, बस उनको ध्यान देना है, और कई सारे क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना एग्जाम में वो आपका ग्राफिकली सॉल्व हो जाएंगे, आपको पेन वगैरह ज्यादा कुछ खास चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको समझ होनी चाहिए कि हम इस जगह पर कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके पास में एक कर्व बनाया जा रहा है, इस कर्व का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आपने ये कर्व ऐसा बना दिया कुछ, देखो ये वाला कर्व आपका पहले ऐसे रहा कुछ, ये वाला ऐसे,
और देन आपका ये वाला कर्व कुछ ऐसे गिर गया ये आकर के, ठीक है ना। ये पॉइंट जो आपका नजर आ रहा है, इस पॉइंट को भी फिलहाल के लिए हम नाम दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ए हो चुका है, ठीक है। बच्चों इस जगह पर किसी पर डॉट लगाओ ना लगाओ वो कुछ खास अभी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो हम आजू बाजू के पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। अब इधर ध्यान देना, देखो मैं तुमसे ये कहता हूं कि क्या इस पॉइंट पर आपका टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ए पर। पहली बात तो यह है कि ये ग्राफ आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जब आप इस जगह पर ग्राफ को ड्रॉ करोगे यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट आपकी राइट हैंड साइड से ऐसे जाएगी और इस जगह पर पकड़ा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट आपकी ऐसे आएगी। क्या ये दोनों की दोनों लाइन एक यूनिक लाइन बना सकती है? ये दोनों की दोनों तो एक ऊपर एक नीचे है। क्या टेंजेंट कभी किसी पॉइंट पर टच करके जब वो जाती है एक एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे हो सकता है? कभी टूटती नहीं है टेंजेंट, टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस जगह पर आपका ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रीजन इस बात का लिखोगे, रीजन मैं बता देता हूं साथ साथ, देखो रीजन इसका ये है बच्चों, फंक्शन जो है आपका, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या हो चुका है आपके पास में, फंक्शन हो चुका है बच्चों आपका डिसकंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो चुका तो इस वजह से वो चीज आपका क्या हो जाएगा, वो चीज आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक ये भी। अब देखते हैं हम इस जगह पर दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ क्या है देखो हमारे पास में, हमने ग्राफ को ड्रॉ किया बच्चों कुछ इस शेप में, इस बार ये वाला, ठीक है। जब आपने शेप को ड्रॉ किया इस जगह पर तो वापस से ये वाला पॉइंट आपका कौन हो चुका, ये वाला पॉइंट आ चुका आपका ए। अब मैं कहता हूं इस पे वापस से टेंजेंट ड्रॉ करो, ए से पीछे ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा और अगर ए से आगे की तरफ ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये टेंजेंट पढ़ा जाएगा? आप केवल एक पॉइंट को पकड़ रहे हो, उसके लेफ्ट और राइट में दो जगह पर टेंजेंट खींच के देख रहे हो। क्या इस जगह पर आपकी जो टेंजेंट बनी एक यूनिक लाइन बन पाई, एक सीधी रेखा बन पाई? वो सीधी रेखा नहीं बन पाई। इस वजह से आपका ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा आपका, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इस बात के लिए जो आपका रीजन पढ़ा जाएगा वो रीजन आपका क्या होगा वो सुनोगे। देखो रीजन इसका ये है बच्चों, शार्प एज। क्या बोलोगे इस बात को? देखो शार्प एज बन गया आपका कहां पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। और अगर शार्प एज कहीं पर भी बना ना बच्चों, वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो होगा पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात भी मैं साथ में मेंशन कर देता हूं कि ये जो फंक्शन है बच्चों हमारा, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। और साथ ही साथ आपका क्या हो गया देखो, अगर कोई फंक्शन, बस इतना ध्यान रख लो, अगर कोई फंक्शन आपका क्या हुआ बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हुआ तो वो पक्का आपका क्या होगा, देखो वो चीज आपका पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ऑलवेज क्या रहेगा आपका, वो ऑलवेज आपका वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो एक अच्छी बात हमारे पास में कंटिन्यूटी की ये भी है बच्चों कि अगर कभी कोई कंटिन्यूटी चेक कर रहा है और डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो हम कभी भी उसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने जाएंगे ही नहीं। अब यहां पर एक बात देखना, ये चीज क्या है देखो हमारे पास में, ये चीज आपका कंटिन्यूअस है ना, पीछे वाला कर्व आपको नजर आ रहा है, देखो ये आपका कंटिन्यूअस है। और अगर ये कर्व हमारा क्या हो जाता है बच्चों, देखो कंटिन्यूअस हुआ, कोई भी कर्व अगर आपका कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब क्या कहोगे आपका, देखो वो चीज आपका डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये बताओ। अब वो डिफरेंशिएबल आपका हो सकता है, वो डिफरेंशियल आपका हो सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। या तो वो आपका कंटिन्यूअस होकर के डिफरेंशिएबल, देखो आपके पास में कंटिन्यूटी जो है ना वो तो सिंपल सिंपल शेप बता देती है आपका, लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो तो टेंजेंट को ड्रॉ करवाती है ना, और टेंजेंट ड्रॉ करने में कहीं पर अगर कोना बन जाए तो वो डिफरेंशिएबल थोड़ी हुआ। तो कंटिन्यूअस हुआ तो आप क्या कह सकते हो, डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी, वो हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात की बात है, वो चेकआउट हम बाद में इस चीज को कर लेंगे, ठीक है ना। अब आता है लास्ट वाला सिनेरियो, लास्ट वाले हिस्से में हम क्या समझेंगे, देखो मान लो किसी ने आपका कर्व ये बना दिया, ये इस टाइप का आपका ये कर्व रहा, ठीक है ना, ये कर्व हो सकता है आपका। अब तुमसे कोई कहता है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो टेंजेंट आपकी ये रही, नजर आ रही होगी आप लोगों को ये वाली बात, है ना, ये टेंजेंट रही आपकी। इस टेंजेंट की एक खास बात ये है बच्चों कि ये टेंजेंट आपकी वर्टिकल है। कैसी टेंजेंट है बताओ आपकी, ये वर्टिकल आपकी ये टेंजेंट है। और अगर ये टेंजेंट आपकी वर्टिकल हुई तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है वो समझना पड़ेगा हमको बच्चों। जो वर्टिकल टेंजेंट होता है, कर्व तो आपका स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर्व आपका ठीक ठाक बिल्कुल बन रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ इस जगह पर, जब आपने कर्व को ड्रॉ कर दिया, कर्व के ड्रॉ करने के बाद जब आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपने बनाई जो कि टेंजेंट थी, उसका स्लोप कितना आ गया देखो 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री आ गया तो इसकी वजह से, पहला तो मैं रीजन इसकी जगह पर ये लिख देता हूं, पहला रीजन ये चीज लिख दे रहा हूं मैं इस जगह पर कि इसका रीजन है बच्चों आपका वर्टिकल टेंजेंट। क्या आया देखो, इसका रीजन आपका वर्टिकल टेंजेंट। और वर्टिकल टेंजेंट आने से क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, इस चीज में आपको यह ध्यान रखना है, जो वर्टिकल टेंजेंट होता है बच्चों उस टेंजेंट का स्लोप आपका क्या होता है, स्लोप होगा आपका इस बात का नॉट डिफाइंड।
स्लोप इज क्या बोला, देखो मैंने इस चीज को नॉट डिफाइंड, इस बात का स्लोप हो जाएगा। रीजन उसके पीछे का क्या है, देखो मान लो कई जगह पर आपने देखा होगा बच्चों m को, m किसके बराबर होता था, tan theta। आगे चल करके इसी चीज को कनेक्ट हमको करना है, ये dy by dx के बराबर होगा। किसी पॉइंट आपका x1 कॉमा y1 के लिए आपका ये चीज ओवरऑल इस्तेमाल की जाएगी। अब ऐसे सोचो बच्चों, आपका अगर tan थीटा की जगह पर 90 आ जाए तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आप टेंजेंट तो देखने से, आप ग्राफिकली तो उसको ड्रॉ कर पा रहे हो, लेकिन मैथमेटिकली इस बात को डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसकी स्लोप नहीं मिल पा रही है ना आपको। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप भी होनी चाहिए, और अगर स्लोप आपका नॉट डिफाइंड हो गया तो उस वजह से उसको क्या बोला जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर ग्राफ टूटे तो भी वो डिफरेंशिएबल नहीं, कहीं कोना बने तो भी डिफरेंशिएबल नहीं, वर्टिकल टेंजेंट खींच जाए तो भी डिफरेंशिएबल नहीं। अब आते हैं हम आगे में, देखो हमारे पास में जितना भी कुछ हमको लिखा लिखा हुआ है ना, ये छोटे मोटे से सवाल हैं, इनको हमें डिस्कस करना है, डील करना है, ताकि हम आगे चल करके कुछ फर्दर जो हमारे पीवाईक्यूज आएंगे उनको हम ट्राई कर सके। देखो आपको बस इनकी शेप बनानी है, और शेप बना बना करके आपको बस इतना डिस्कस कर लेना है कि कौन सी चीज हमारी कंटिन्यूअस होगी और कौन सा हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपके पास में ये तीन कर्व इस जगह पर बनेंगे। सबसे पहले सोचो कि y बराबर में mod x आपका कोई कर्व है। जब आप y बराबर mod x के कर्व को ड्रॉ करते हो, इसको तो हम जानते हैं इसकी शेप को, ये ऐसा बन जाएगा, और बगल में फिर कैसा आ जाएगा आपका, ये शेप आ जाएगा कुछ कुछ तुम्हारा ऐसा, ठीक है ना। अब आप वापस से देखो, क्या आप इस कर्व को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आप कहोगे बिना पेन उठाए इस बात को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इस जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, देखो कंटिन्यूअस होगा ये हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, कंटिन्यूअस हो जाएगा किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, सारे रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस है। किसी पॉइंट पर भी देखोगे ना इस बात को, तो हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस ही मिलेगा। दूसरी बात क्या कह सकते हो इसके लिए, आप इस जगह पर देखना, आप यहां पर ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट इसका खुद का। आपके पास में ये वाला हिस्सा जो है इस जगह पर आपका, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है इस जगह पर बच्चों शार्प एज। और जहां पर शार्प एज बन जाए, अभी हमने पीछे देखा था, शार्प एज बनने से वो चीज आपका डिफरेंशिएबल नहीं रहती। तो आप इस जगह पर एक अगली बात क्या लिखोगे, ये चीज हमारा डिफरेंशिएबल होगा। इधर ध्यान दोगे, देखो ये आपका डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन किस किस पॉइंट पर होगा उसको ध्यान देना है। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आपके पास अब लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन किस पर नहीं होगा, जीरो पर नहीं होगा। या ये भी कह सकते हो x इक्वल टू जीरो पर क्या होगा तुम्हारा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जहां कोना बने बस वहां टेंजेंट नहीं खींच सकते। कोई तुमको इस पॉइंट को पकड़ के कहे टेंजेंट खींचो, आप खींच दोगे। कोई इस पॉइंट को पकड़ के कहे टेंजेंट खींचने को, आप खींच दोगे, लेकिन जीरो पर नहीं खींच सकते। रीजन मैंने पीछे समझाया अभी तुमको कि उस जगह पर आपका कॉर्नर बन गया था, ठीक है ना। अब आते हैं अगले वाले केस पर। अब आपका कौन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ अब आपका कुछ कुछ बनेगा बच्चों ऐसे हिसाब का, ये वाला। फिर इधर पर ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, पीछे में ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आपका ये ऐसा बनेगा। इस पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पर मार्क कर लेंगे बच्चों। ये वाला पॉइंट आपका कितना कितना आ गया, ये वाला पॉइंट आपका जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वाला पॉइंट आपका टू, ये वाला थ्री। पीछे जाएंगे तो ये वाला पॉइंट माइनस का वन, ये वाला पॉइंट आपका माइनस का टू, इधर पर वापस से माइनस वन, माइनस का टू, इधर वाला पॉइंट आपका वन, और ये वाला पॉइंट आपका टू, ठीक है। और भी जितना आगे तक बनाना चाहो आप इसको बना सकते हो। अब आप ऐसे सोचो, जब आप इस कर्व को बना रहे थे तो मैंने पेन कहां कहां पर उठाया, सामने वाले नंबर को देखना। सबसे पहले मैंने माइनस वन पर उठाया, अगली बार फिर ड्रॉ किया तो फिर कहां पर उठाया मैंने, जीरो पर, फिर वन पर, फिर टू पर, फिर थ्री पर। तो आप क्या कहोगे इस जगह पर, ये वाला फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, ये वाला फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात तो क्या लिखोगे इस जगह पर, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और किस जगह पर डिसकंटिन्यूअस है, फॉर एट एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर पर ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, हर एक इंटीजर पर हमारा ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात और समझाना तुम लोग, कि अगर ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर, हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो आ जाते हैं इस वाली बात पर, पीछे वाली पर। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो पक्का क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो आप कह सकते हो इस बारे में कि ये चीज हमारा क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। किस पर देखो बताओ, नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पर आपका, एट एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर पर आपका क्या रहने वाला है, ये नॉट डिफरेंशिएबल रहने वाला है। सिंपल लॉजिक है ये। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने इस जगह पर 2.5 पकड़ लिया, 2.5 बच्चों यहां कहीं होगा आपका ये 2.5, 2.5 पर जब आप टेंजेंट खींचोगे राइट में भी खींच सकती है और आपका वो लेफ्ट में भी खींच सकती है, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, जैसे पेन का शेप है आपका इस तरीके से, वो आपका टेंजेंट टिक सकती है उतने जगह पर। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका स्लोप कितना है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप कहोगे कि इसका थीटा तो 0 डिग्री है, तो स्लोप इसका 0 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ को। देखो अगला ग्राफ हमारे पास में क्या है, अगला ग्राफ है बच्चों हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स। साइन मॉड एक्स का ग्राफ मैंने तुमको समझाया था कि सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ आप नॉर्मली जैसा बनाते हो उसके ग्राफ को नॉर्मली वैसा वैसा ही आप बना लो। आप ओवरऑल तो इसके कर्व को आप इधर पर भी बनाते हो ऐसा ऐसा करके, लेकिन जब साइन डोमेन पर आपका मॉड लग जाए, डोमेन पर अगर मॉड लग गया तो डोमेन पर मॉड लगने से वो ग्राफ आपका कैसा बनेगा उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा कुछ कुछ ऐसा। देखो इसी का रिफ्लेक्शन हम कहां लिया करते थे, इसी का रिफ्लेक्शन हम लिया करते थे बच्चों लेफ्ट में। अगर ये बात थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो प्लीज साहब आप जाकर के फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 या 2 में आप देखोगे कि ये चीज दोनों जगहों पर हमने कवर कर रखी है, इसको बोला जाता था आपका ग्राफ थ्योरी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले इधर पर आप पाओगे कि आपके पास में ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका और कोई नहीं है, ये जीरो है, और जीरो पर आपका क्या बन गया है, ये जीरो पर आपका बन चुका है क्या, देखो ये बन चुका आपका शार्प एज। और अगर ये शार्प एज बन जाता है तो शार्प एज बनने से क्या होगा, वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो अब जल्दी से बताओ इस जगह पर क्या क्या कहोगे, ये चीज आपका कंटिन्यूअस होगा। पहली बात तो आप बिना पेन उठाए इसको कंटिन्यूअस कह सकते हो यानी कि बना सकते हो, कंटिन्यूअस एट फॉर या लिख दो ऐसा कुछ फॉर ऑल x belongs to R के लिए, ठीक है ना। और अगली बात बताना आपके पास ये differentiable कहाँ नहीं है, देखो ये आपका not differentiable कह लो केवल केवल, या पूरा पूरा differentiable करके लिख लो minus zero कर देना, not differentiable किस पॉइंट पर आपका at x equal to zero पर, सिंपल लॉजिक, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब देखो अगला केस, अब आ गया ये वाला हमारा, इन दो तीन कर्व को भी हम जल्दी जल्दी ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास में कहाँ कहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपका वैनिश हो रहा है, ठीक है। आप सोचना शुरू करो e की पावर मॉड एक्स का आपका ग्राफ होगा कैसा, कैसा आपका ये कर्व आपका बना होगा, इसको सोचो बस जल्दी से तुम, ठीक है। और लास्ट वाला कौन रखना है हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का x रखना है, ठीक है। इसको तो मैं एज अ होमवर्क दूंगा तुमको, अभी इसको सोचना भी है तुमको कि इसके बनेगा कैसे हमारा वैल्यू। देखो सबसे पहली बात, आपके पास में जो कर्व है हमारा e की पावर मॉड एक्स, e की पावर मॉड एक्स का पेरेंट कर्व सोचा करो, e की पावर एक्स का पेरेंट कर्व e की पावर एक्स रहा होगा, e की पावर एक्स का ग्राफ आपका कैसा होता है बच्चों, वो रहता है आपका कुछ कुछ ऐसी शेप का, ठीक है ना। और जब आपका मॉड लगेगा, मॉड कहां पर लगेगा आपका, पूरे फंक्शन पर, जब पूरे फंक्शन सॉरी डोमेन पर लगेगा, डोमेन पर मॉड लगने से लेफ्ट वाला पोर्शन आप क्या करते थे, डिलीट करते थे, लेफ्ट वाले को डिलीट करके इसका रिफ्लेक्शन कहां ले जाओगे आप, राइट में ले जाओगे ऐसे करके। अच्छी बात यह है कि जब जब मॉड वाली बात आएगी ना, मॉड लेने से ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ऑलवेज आपका क्या शो होगा, कॉर्नर बनेगा। तो यहां पर भी मॉड की वजह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो ये चीज आपका क्या बन जाएगी, ये चीज आपका कॉर्नर बन जाएगी यानी कि शार्प एज बन जाएगा। अब मुझे बताओ जल्दी से कंटिन्यूटी के बारे में, तो आप क्या कहोगे इस चीज को, सबसे पहली बात तो यही कहोगे आप कि ये चीज हमारा क्या हो चुका है, ये चीज हमारा कंटिन्यूअस हो चुका है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अच्छा इसी तरीके से बताओ कॉर्नर किस एक्स की वैल्यू के सामने है, तो आप कहोगे जीरो के सामने, तो आप क्या कह सकते हो इस बात को, इसको कह सकते हो आप अपना नॉट डिफरेंशिएबल, ये चीज आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा किसके लिए बताओ, एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो पर आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। अब आते हैं हम आगे में, एफ एक्स इक्वल टू मॉड अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, पेरेंट कर्व सोचो वापस से इसका कौन है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का जो शेप होता था बच्चों वो आपका कुछ कुछ ऐसा होता था, पैराबोलिक होता था वो आपका। इसके बाद इसको वन यूनिट क्या करना है आपको, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, और अगर ये वन यूनिट डाउनवर्ड आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो कितना बनेगा उस चीज को देखना, ये जाएगा आपका थोड़ा सा नीचे, और जब ये नीचे जाएगा तो इस पर फिर मॉड लगेगा तो ये चीज कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाली चीजें ऊपर आ जाएंगी। अब मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा इस जगह पर, सबसे पहले ये कर्व ऐसा बनेगा, देन आपका ये शेप कुछ ऐसा रहेगा, और फिर आपका ये ऊपर चला जाएगा ऐसा ऐसा कुछ। अब आपके पास में ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन तक आके नीचे गिरा होगा तो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट आप वन कह सकते हो। इसके अलावा एक्स एक्सिस के जो ये दोनों पॉइंट हैं इनको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, ये कर्व आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई को जीरो कर दो, एफ एक्स जीरो कर दो, जैसे ही एफ एक्स जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का वन बराबर जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो के होगा, एक्स की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस वन आएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका ये कॉर्नर बना आपका माइनस वन पर, और ये वाला जो कॉर्नर बना आपका ये बना आपका वन पर, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूं इस जगह पर, इन दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर आपका क्या बना है, इन दोनों जगहों पर आपका बना है बच्चों कॉर्नर, ये भी कॉर्नर वाला पॉइंट है और माइनस वन भी आपका, प्लस वन भी कॉर्नर वाला पॉइंट बनेगा।
अब इसके बाद, अब इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अब आप क्या कहोगे? सबसे पहली चीज इसको दर्शाओगे आप, इसको कहोगे आप कंटिन्यूअस तो होगा ये, क्योंकि बिना पेन उठाए आप इसको बना पा रहे हो। कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसके लिए? आपका आर के लिए। पहली बात तो यही रही। दूसरी बात यही रही डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम क्या कहेंगे, ये चीज आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और किस किस पर नहीं होगा ये आपका डिफरेंशिएबल? नॉट डिफरेंशिएबल आपका ये आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू किस पर? आपका एट एक्स इक्वल टू सबसे पहले वन पर, और दूसरी बात आपका किस पर? माइनस वन पर। ठीक है ना, यहां पर आपका कोई शार्प एज नहीं बन रहा है, इस बात को ध्यान देना है। आगे चल करके कुछ और कंसेप्टराइज करेगा लोकल मैक्सिमा वाला। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अब मैं इसका हिंट दे देता हूं तुमको। इसका हिंट ये है बच्चों तुम्हारे पास में, इसका ग्राफ ड्रॉ तो आपको खुद करना है। हिंट ये है बच्चों, हमने इसकी डेफिनेशन को देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का वैल्यू दो ही होती है, या तो जीरो होगा या फिर वो माइनस वन होगा। हमने देखा था इसको ग्राफ थ्योरी के अंदर। आपके पास में ये जीरो कब हो सकता है? जब एक्स का वैल्यू इंटीजर हो, और माइनस वन कब होगा? जब आपका एक्स का वैल्यू इंटीजर ना हो। यहीं से देख करके पता चल रहा है कि वैल्यू आपका ब्रेक कहां पर ले रहा है। जो आपका सस्पिशियस पॉइंट होगा हर बार इंटीजर बनेंगे, हर बार इंटीजर पर ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपके पास ये रहा एज अ आपका ये होमवर्क। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले सवाल पर। अब हमारे पास में बच्चों कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, और ये हमारे पीवाई क्यों है। कोशिश करना कि बिना पेन चलाए आप इन क्वेश्चनों को आंसर कर सको। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और मैं तुम्हारे सामने में साथ ही साथ इसका कर्व भी साथ साथ ड्रॉ कर देता हूं, ताकि तुमको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले एफ एक्स बराबर ए टू दी पावर एक्स, ए कितना है, ए कितना है हमारा 10। 10 को जब आप देखोगे तो ग्राफ आपका पक्का पक्का ऐसे चला जाएगा, ए की पावर एक्स का ग्राफ तो हमारा यही होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। इट्स डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप चाहो तो एक्स की जगह पर कोई भी नंबर रखो, कभी भी ये नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके आपको ऊपर या नीचे ग्राफ नजर आए, तो आपका पहले वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो चुका। दूसरे वाले में देखा जाएगा इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आप बिना पेन उठाए इस बात को ड्रॉ कर सकते हो, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो गया। आगे कह रहा है इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पर आप जाकर के जब यहां पर खड़े होगे, तो आप बताओ क्या जीरो के सामने इस जगह पे, जीरो के सामने क्या इस जगह पर कोई शार्प एज बन रहा है? जीरो के सामने ये वाला जो स्पॉट है ना, इसको देखा करो, यहां पर ना तो कोई शार्प एज है, नो शार्प एज। पहली बात तो यही होगी कि आपको सबसे पहले शार्प एज को ढूंढ लेना है, और अगर कोई शार्प एज ना हुआ, और साथ ही साथ आपका ये क्या ना हुआ, और डिसकंटिन्यूअस भी ना हुआ, ये नो शार्प एज और साथ ही साथ ऑलवेज कंटिन्यूअस लिख देता हूं, नो शार्प एज हो गया ये वाला, और साथ ही साथ आपका ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये चीज आपका क्या होगा डिफरेंशिएबिलिटी में, तो कभी ना कभी भी ये आपका क्या नहीं होगा, लाइन नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपका नो शार्प एज है, और साथ ही साथ इस पॉइंट पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हमारा आज का इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये वाला, ठीक है ना, इसको ट्राई करोगे आप। अब जल्दी से देखो, इसमें कहा गया तुमको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ये वाला फंक्शन। इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वापस से देखना बच्चों, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ आपका क्या बनेगा। सबसे पहले आपको पता है कि वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है, ये वाला होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाएगा तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ कुछ ऐसा। एक हिस्सा ये वाला रहा आपका, और इधर पर ड्रॉ करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है ना, ये बात। अब इधर देखोगे आप, ये वाला पॉइंट आपका कौन है, ये वाला पॉइंट तो आपका ओरिजिन है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, और ये कितना यूनिट नीचे शिफ्ट होकर के आया, ये माइनस वन यूनिट आपका शिफ्ट होकर के आया। अगली बात आपको ये भी नजर आ गई इस जगह पर, यहां पर ये वाला पॉइंट आपका क्या बन चुका है, देखो कॉर्नर बन गया, या फिर इस बात को आप अपना शार्प एज भी बोल सकते हो। तो पहली बात यहां पर पढ़ते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। बच्चों वो एक्स इक्वल टू वन पर ही नहीं, वो सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। हालांकि जो वो वन होगा ना, वो यहां कहीं पर होगा। देखो आपका, आप इसको बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर पा रहे हो तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है एफएक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। आप मुझे बताओ जीरो के सामने ही तो कौन है, एज है, और अगर जीरो के सामने ही एज है तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा कभी भी गलत, कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैं तुमको घर के लिए भी ट्राई करने के लिए दूंगा, वो आप खुद से ट्राई करोगे। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप अभी एज अ होमवर्क ट्राई करोगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हो गया, इसको भी एज अ होमवर्क ट्राई करोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको एक को मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन जो होगा इसको तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखोगे अब जल्दी से। सबसे पहली चीज आपको क्या कही जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन हमारा रहा।
इस फंक्शन को अगर आप देख सको ना, ये फंक्शन तुमसे कुछ कहना चाहता है। ये फंक्शन आपका क्या है बच्चों, देखो ये फंक्शन आपका ऑसिलेटरी टाइप है। कैसा फंक्शन है आपका ये? अभी हमने जो पीछे में चीजें पढ़ी ना बच्चों, वहां पर हमने देखा था ऑसिलेटरी टाइप फंक्शन आपका क्या होता था, जो बहुत तेजी के साथ आपका क्या करने लग जाए, फ्लक्चुएट करने लग जाए, बहुत तेजी के साथ वैल्यूज आपकी वो बदल रहा है, वो वाली चीजों पर। अब इधर देखना, आपको इसने एक चीज बताई गई, कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया, और खास बात यह है कि उसने तुमको ये दिया, देखो ये दिया एफ जीरो का वैल्यू जीरो के बराबर। अगर आपका एफ जीरो का वैल्यू जीरो के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये और कोई नहीं है बच्चों, ये कौन है आपका, ये चीज आपका है, ये वाली बात आपका फंक्शनल वैल्यू। इसको क्या नाम दिया जाएगा आपका? इसको नाम दिया जाएगा आपका फंक्शनल वैल्यू। अब खास बात ये आती है बच्चों, चलो फंक्शनल वैल्यू तो आ गया, एफ ए का वैल्यू तो चलो जीरो हो गया, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ तो एल एच एल आर एच एल एफ ए तीनों बराबर होना चाहिए ना। अब मुझे एक बात बताना, इस फंक्शन का आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा आपके पास में। खास बात यही है कि जब हम इसका क्या निकालने जाएंगे बच्चों, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाएंगे, तो ये बात हमारा लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं हो। मैं तुमको दिखाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो आप यहां पर लिखो लिमिटिंग वैल्यू के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इधर पर कौन आ जाएगा आपका, साइन ऑफ वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इसको पहले भी मैं तुमको समझा चुका, ये चीज और कुछ नहीं है बच्चों, ये आपका साइन वन अपॉन में जीरो अप्रोचिंग आ जाएगा। और साइन वन अपॉन जीरो अप्रोचिंग को क्या लिख सकते हो आप, ये चीज बन चुका होगा आपका साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये लाए करेगा आपका बिटवीन किस से किस तक, माइनस वन से लेकर के वन के बीच में आपका ये लाए करेगा। अब आप बताओ मुझको क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? आपके पास यहीं पर आपको पता चला कि ये चीज आपका लिमिटिंग वैल्यू जो है बच्चों, वो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रहा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, मैंने क्या लिखा इस जगह पर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अभी आपने देखा था जिस फंक्शन का आपका लिमिट एग्जिस्ट ना करे, वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। तो पहले वाले स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, देखो कंटिन्यूअस कह रहा है, कंटिन्यूअस केवल और केवल फंक्शनल वैल्यू को देख करके थोड़ी बताना होता है, लिमिटिंग वैल्यू भी, ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये जीरो आनी चाहिए थी, क्योंकि अब जीरो का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो आपका जो पहले वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ आई। अब आप आगे आओगे, ये कह रहा है इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट पाई। अब यहां पर ध्यान देना, एक नई चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं, आपके पास में जो ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है ना बच्चों, इसका अपना एक नाम होता है, इसको बोला जाता है आपका सस्पिशियस पॉइंट। क्या बोलते हैं इस बात को, सस्पिशियस पॉइंट बोलते हैं। अब सस्पिशियस पॉइंट से क्या फायदा मिलेगा वो समझना। देखो सस्पिशियस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कर्व हमारा नॉट डिफाइंड हो जाए, जैसे आप एक्स की जगह जीरो नहीं रख सकते ना, इसीलिए तो उसने मना करा कि एक्स को जीरो नहीं लेना आपको। अगर आप एक्स की जगह जीरो नहीं ले सकते, तभी तो लिमिट का कंसेप्ट राइज हुआ हमारा। अब आपको क्या काम करना है, देखो इधर पर, अगर किसी फंक्शन का कोई सस्पिशियस पॉइंट तुमको मिल गया, तो हमेशा ध्यान रखना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वैनिश हमेशा उसके सस्पिशियस पॉइंट पे होती है। उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट तुमको पूछा जाए, तो हमेशा वो चीज आपका कंटिन्यूअस और बाकी के पॉइंट्स पर तो होगी होगी। अब आप कहोगे कि एकदम से कैसे कह दिया, वैल्यू भी निकाल सकते थे बच्चों, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, आप वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हो, इसका वैल्यू निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू लोगे तो आप सिंपली इस बात को क्या लिख लोगे, देखो इस बात को आप कैलकुलेट करोगे तो ये लिख लोगे आप f ऑफ 2 अपॉन में रूट पाई। बस अब आपको इससे ज्यादा क्या करना है, x की जगह पर 2 अपॉन रूट पाई रखना है। जैसे ही आप इस चीज को रख लोगे, तो ये चीज कितना बन चुका होगा आपका, ये बन चुका होगा पाई बाय 4। कैलकुलेट कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये वाला वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1/√2। एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यही मैं तुमको कह रहा हूं, इतना टाइम इस पर खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि सस्पिशियस पॉइंट पर ही हमारा फंक्शन जो होता है वो कंटीन्यूअस या डिफरेंशिएबल ना होने का खतरा होता है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो तो आपका ऑलवेज ट्रू था ही था, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इस बात का, बी डेट इज ट्रू ओनली। अब इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, इसको भी एज अ होमवर्क ट्राई करना है। ध्यान रखना ये सबके सब हमारे क्या है बच्चों, ऑसिलेटरी टाइप के हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। अब आपको ये वाला क्वेश्चन, तीन या चार ही क्वेश्चन मैंने तुमको दिए हैं, इनको कल अगली वाली जो क्लास होगी हमारी कंटिन्यूटी का, हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस को, ठीक है। बाकी तब तक आप पढ़ते रहो, मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है। जय हिंद।